फरदाबाद सेक्टर 12 टाउन पार्क में उड्डा विभाग द्वारा 34वां पुष्प मेला लगाया गया, जिसमें फरदाबाद के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुष्प मेले में दर्जनों प्रकार के फूलों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अपने चुने गए फूलों और उनसे बनने वाले गुलदस्तों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों ने जज की भूमिका निभाते हुए फूलों और गुलदस्तों को प्रथम और द्वितीय स्थान दिया गया। पुष्प मेले में सैकड़ों लोग दर्जनों प्रकार के फूलों की वैरायटी देखकर खुश हुए और उड्डा विभाग के इस आयोजन की प्रशंसा की। हंसते खिलते और महकते हुए नजर आ रहे ये दर्जनों प्रकार के फूल फरदाबाद सेक्टर 12 टाउन पार्क में हुड्डा विभाग द्वारा एकत्रित किए गए हैं। दरअसल हुड्डा विभाग प्रतिवर्ष टाउन पार्क में लोगों को फूलों की वैरायटी दिखाने के लिए पुष्प मेले का आयोजन करता है। इस बार हुड्डा विभाग द्वारा 34वां पुष्प मेला आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। पुष्प मेले में फूलों से प्यार करने वाले शर्मा परिवार के 3 सदस्य पिछले 20 वर्षों से इस पुष्प मेले में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सोनू शर्मा ने बताया कि वो एक अध्यापिका हैं जिन्हें फूलों से बहुत लगाव है, इसलिए वो प्रतिवर्ष पुष्प मेले में अलग अलग प्रकार के फूलों का चुनाव करती हैं और उनसे गुलदस्ते तैयार कर पुष्प मेले की प्रदर्शनी में रखती हैं। इस बार भी उन्होंने 12 अलग अलग गुलदस्ते तैयार किए हैं, जिनमें से कई गुलदस्तों को प्रथम स्थान भी मिला है। वहीं सोनू शर्मा की बेटी मुस्कान शर्मा ने भी अपने परिवार से प्रकृति से प्यार करना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है, जिस पर उनके गुलदस्ते को भी प्रथम स्थान दिया गया है। उन्होंने सभी गुलदस्तों में एक संदेश दिया है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया और स्वच्छता अभियान भी शामिल है। वहीं बेटी मुस्कान ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस पुष्प मेले में दर्जनों फूलों को भी देखने पहुंची पुष्प प्रेमी नम्रता ने बताया कि उन्हें फूलों से बहुत प्यार है। जब भी फूलों का मेला आयोजित किया जाता है तो वो कहीं भी हों और वापस दौड़कर फरीदाबाद आ जाती हैं। उन्हें टाउन पार्क में फूलों को देखकर बहुत खुशी मिलती है। वहीं छोटी सी नन्ही बच्ची खुशी ने फूलों को देखकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मानव निर्मित फूल तो उन्हें बाजार में बहुत देखने को मिल जाते हैं, मगर प्राकृतिक फूल सिर्फ पुष्प मेले में ही देखने को मिलते हैं। उन्हें पुष्प मेले में दर्जनों प्रकार के फूल पसंद आए हैं। इस पुष्प मेले में लगाई गई फूलों की प्रदर्शनी को जज करने पहुंचे कृषि विभाग के सेवानिवृत्त संतोष ने बताया कि इस बार पुष्प मेला में बहुत प्रकार की वैरायटी आई हुई हैं, जिन्हें प्रतिभागियों ने बखूबी तैयार किया है, इसलिए कंपटीशन बहुत कठिन है। उन्हें जज करने में भी बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। पुष्प मेले का आयोजन करवाने वाले हुड्डा विभाग के एक्शन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 1800 लोगों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 125 लोगों को मौका मिला है जो कि अपने अपने फूलों को लेकर मेले में पहुंचे हैं। इस तरह के पुष्प मेले का उद्देश्य लोगों को फूलों की वैरायटी से अवगत करवाना है। फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, ड्राई फ्लावर, मिक्स फ्लावर्स, फ्रेश अरेंजमेंट फॉर कॉर्नर्स, सारी वैरायटीज जो भी हैं सभी में पार्टिसिपेट करती हूं, स्कूल की तरफ से भी और अपने इंडिविजुअल भी। जी, तो किस तरह से आपने फूल बनाए, क्या क्या कौन कौन से फूल इसमें आपने एक साथ जो गुलदस्ता आपने तैयार किया है? इसमें हेलिकोनिया है, लिलियम है, ऑर्किड है और बर्ड ऑफ पैराडाइज है, कार्नेशन है, क्रिसैंथेमम है, ये प्लस लीव्स है, गेहूं को भी हमने इस्तेमाल किए हैं, फ्रेश जो है और लीव्स सारी हैं, साइकस है, अरिका पाम है और जनाडू, एस्पेरिकस, ऑल टाइप ऑफ लीव्स। प्राइस की बात करें तो हुड्डा विभाग द्वारा कौन सा प्राइस आपको यहाँ दिया गया है? जैसे हुड्डा में अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे स्टार्टिंग से फ्रेश अरेंजमेंट में मेरा सेकंड आया, मेरी डॉटर का फर्स्ट आया और उसके बाद डीएवी स्कूल की एंट्रीज है, सभी में हमारा फर्स्ट प्राइज आया है। फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, कॉर्नर, मिक्स फ्लावर, ड्राई फ्लावर, सभी में फर्स्ट और सेकेंड प्राइजेस है। कब से आप ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मोर देन 20 ईयर्स हो गए लगातार।